ठीक है, इस डिस्टेंस को अगर मैं मान ठीक है और देखिए यहां से यहां तक ऑब्वियसली एक्सेलरेशन राइट में है लेकिन यहां के बाद एक्सेलरेशन लेफ्ट में हो गया है पार्टिकल वेलोसिटी तो गेन कर ही चुका है ना थोड़ा और आगे जाएगा और फिर ऐसे वापस आएगा ओके okay, ऐसे वापस आएगा और फिर ये यह यहां से यहां तक चलेगा ऐसे चलेगा यहां तक ओके तो यहां पे हमें वेलोसिटी निकालनी है कि क्या वेलोसिटी हो ठीक है जाते समय फोर्स आगे की तरफ था और लौटते समय फोर्स नीचे पीछे की तरफ है इस तरह है ठीके? ठीक है तो एक काम करते हैं ये लेटर सप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम हालांकि आप इसे बेसिक से भी कर सकते हो लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं ठीक है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वर्क डन होगा वो क्या होगा एम ए इंटू डी बैड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा क्योंकि इस पूरे टाइम इंटरवल में फोर्स एक ही दिशा में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है फिर यहां से यहां तक देखें यहां से यहां तक जो वर्क डन है इस बार फोर्स लेफ्ट में है और डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट में है राइट तो कितना हो जाएगा फिर एमएडी ट्विस्ट ऑफ एमएडी ये वर्क डन होगा और वर्क डन बराबर क्या होता है हाफ एम पी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये होता है भाई तो ये देखिए एम एम तो कैंसिल हो गया अब हमारे पास कुछ बच रहा है क्या बच रहा है वी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए डी वी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर ए डी और प्लस वी स्क्वायर यू स्क्वायर विच इज वॉट सो विच इज यू स्क्वायर विच इज हंड्रेड बिकॉज इनिशियल इनिशी हंड्रेड थी ओके अब हमें सीधे वी मिल जाएगा एक काम हम ये कर सकते हैं इस मोशन में भी इस पार्ट में भी थर्ड इक्वेशन लगा दें थर्ड इक्वेशन या आप थर्ड एक्चुअली तो वर्क वर्क थे थ्योरम का ही एक फॉर्म है तो यहां पर देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिफ्टी इक्वल्स टू हंड्रेड प्लस टू ए डी ओके टू ए डी ओके अब आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं दूसरी इक्वेशन और पहले इक्वेशन में यहाँ से टू ए डी की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए बस आपको वी स्क्वायर मिल जाएगा बड़ी आसानी से मिल जाएगा और आई होप मैंने इसको सवाल को कहीं किया है इसका आंसर शायद डी आ रहा है सेवेंटी आप एक बार चेक करिए ठीक है बट आई होप आपको इक्वेशन तो समझ में आई गई होंगी ठीक है